Good evening, my dear friends. I hope that you all are working hard for your SPI. I am Kumar Supraveen and we are back with ranking and order question. और देखिए आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो कुछ ऐसा बोला जा रहा है. There are five friends, Arun, Kunal, Ram, Syam and Isha. Each of them is preparing for a bank PO and studies for the different number of the R, right? R in a day. कुनाल स्टडीज फॉर मोर नंबर ऑफ द आर देन राम. क्या बोला गया? कुनाल आपका राम से ज्यादा है. चलिए कुनाल के बारे में आपको इंफॉर्मेशन, कुनाल के बारे में बोला जा रहा है क्या? राम से ज्यादा है, ठीक है. बट लेस देन द ईशा, लेकिन लेस है किससे? ईशा से. कोई दिक्कत नहीं यहां पे. नाउ अरुण स्टडीज फॉर लेस नंबर ऑफ आर देन ओनली श्याम. अरुण बस और बस किससे? श्याम से कम है. तो कहीं ना कहीं कुछ बोला जा सकता है कि अरुण जो है वो श्याम से कम है, मतलब श्याम सबसे हाईएस्ट होगा. तो आप श्याम को सबसे हाईएस्ट बना दो, उसके बाद आप क्या अरुण का पोजीशन बना सकते हो, क्योंकि अरुण उसके बाद होगा. अब देखो आपके पास क्या है, टोटल फाइव फ्रेंड की बात की जा रही थी और टोटल फाइव फ्रेंड तो आपका हो गया, मतलब आपको कुछ करना ही नहीं था और आपने क्या दो नंबर ले आना है ऐसे में. अब बोला गया है कुनाल स्टडीज फॉर दी फाइव आर. कुनाल जो है वो फाइव आर के लिए स्टडी कर रहा है. एंड द वन हु स्टडीज फॉर द मैक्सिमम टाइम स्टडीज फॉर द 10 आर. जो सबसे ज्यादा है वो क्या 10 आर है. अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसको देखा जाए. हु स्टडीज फॉर द लीस्ट नंबर ऑफ द आर. जो सबसे लीस्ट नंबर के लिए कौन आपका जाना जा सकता है? राम. मतलब क्या राम सबसे लीस्ट होगा, तो आपका क्या आंसर हो जाएगा? राम. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, Among the five friend, who could have studies for the 7R? कौन ऐसा होगा जो कि 7R के लिए पढ़ सकता है? ठीक है, तो आपने क्या देखा? श्याम तो 10R है और कुनाल 5R है. तो इसके बीच में ईशा या अरुण जो दोनों हो सकता है 7 के लिए. तो इसके बेसिस पे आप इसका आंसर क्या? Either अरुण और ईशा हो जाएगा. तो ये इसका दो क्वेश्चन मैंने लिया था रैंकिंग ऑर्डर पे. ये आपका SBI में 2 से 3 मार्क्स डेफिनेटली आता है माई डियर फ्रेंड्स. बिल्कुल आप सब प्रिपेयर रहे ऐसे क्वेश्चंस के लिए, और अच्छा खासा जब प्रैक्टिस करेंगे ना तो ऐसे क्वेश्चंस को आपको बनाने में मैक्सिमम आपको 30 सेकंड लगने वाला है. 30 सेकंड में 2 या 3 मार्क्स बहुत बड़ी बात हो जाती है, वो भी SBI PO, राइट. आई होप कि आप लोगों को क्लियर होगा. तो बस आप प्रैक्टिस करते रहिए, डेफिनेटली आपका सक्सेस, आपको सक्सेस मिलना है. तो हम सब फिर मिलते हैं कुछ अच्छे क्वेश्चन के साथ.